वेल दोस्तों, Xiaomi ने अपने Redmi वॉच फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिए। कुछ इस टाइप की वॉच आपको देखने को मिल जाती है, 4000 रुपए के अंदर ये वॉच मिल जाती है। अब क्वेश्चन ये उत्पन्न हो जाता है कि 4000 रुपए के अंदर हमें Redmi वॉच लेना चाहिए या फिर 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे के क्रॉस बीट्स की ऑर्बिट वॉच पे जाना चाहिए, या फिर इसी 5000 रुपए वाली रेंज के अंदर Amazfit की BPU Pro भी देखने को मिल जाती है। क्या वो हमारे लिए बेटर रहेगी Redmi वॉच के अगेंस्ट में, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर पता करने की कोशिश करेंगे। वेल दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी का टेक डिजिटल पे स्वागत करता हूं। वेल दोस्तों, आपकी फेवरेट कंपनी Xiaomi ने Redmi वॉच फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दी है। 4000 रुपए इसकी प्राइस है। अब पता करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिल जाती है, उसके अगेंस्ट में क्रॉस बीट की ऑर्बिट वॉच हमें क्या चीजें एक्स्ट्रा दे देती है। वेल दोस्तों, अगर हम लोग Redmi वॉच की अगर हम लोग बात करें और क्रॉस बीट की ऑर्बिट वॉच की बात करें, तो दोनों के अंदर जो स्ट्रैप देखने को मिलते हैं ना, वो रिप्लेसेबल है। तो ये जो चीज है, ये दोनों के अंदर बहुत ही बढ़िया है। इससे जो वॉच की लाइफ होती है ना, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर आपके स्ट्रैप खराब हो जाते हैं तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग मेन वॉच के मटेरियल की बात करें, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक वाला मटेरियल यूज किया गया। यस दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड का आपको वॉच देखने को मिल जाती है। इसके अगेंस्ट में क्रॉसबीट की जो ऑर्बिट वॉच है ना, यहाँ पे मेटल यूज किया गया है। इसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ी सी बेटर ड्यूरेबिलिटी देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी बेटर लॉन्ग लास्टिंग स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है। और क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड यूज किया है, तो इसका जो वेट है स्मार्ट वॉच का, वो कम है कंपेयर टू क्रॉसबीट की ऑर्बिट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्प्ले की। तो दोनों के अंदर आपको कलर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, HD डिस्प्ले यूज किया गया है। अभी डिस्प्ले की साइज इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले देखो मिल जाते हैं, 1.4 इंच की है। क्रॉसबीट की ऑर्बिट वॉच के अंदर आपको 1.3 इंच की डिस्प्ले देखो मिल जाते हैं। प्लस फॉर्म फैक्टर का भी डिफरेंस है। यहाँ पे आपको स्क्वायरिश टाइप की डिजाइन देखो मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको राउंड टाइप की डिजाइन देखो मिल जाते हैं। तो मेन तो आपका डिसीजन इसी पे रिलाई करता है कि आपको किस डिजाइन की वॉच पसंद आती है। आपको अगर इस टाइप की डिजाइन पसंद आती है, तो ऑब्वियसली आपको और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इस टाइप की है, तो आप ये एक ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंट की। तो दोनों के अंदर आपको 580 mAh की वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही आपको इतना वाटर रेजिस्टेंस देते हैं, तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं सेंसर्स की, क्योंकि सेंसर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोग जब भी कोई वॉच खरीदने जाते हैं। अगर हम लोग Redmi वॉच की बात करें, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम किया है। यहाँ पे आपको हार्ट रेट सेंसर देखने को मिल जाता है, स्लीप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप अगर करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको है ना इन बिल्ट GPS देखने को मिल जाता है। तो 11 स्पोर्ट्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप अगर साइकिलिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, तो इन बिल्ट GPS जो होता है ना, ये आपका थोड़ा सा हेल्प करता है। आपको एक टाइप का ग्राफ बना के दे देता है, हाँ भाई आप यहाँ यहाँ गए थे, यहाँ यहाँ से गए थे। तो ये टाइप की जो ट्रैकिंग है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको है ना एक वाइब्रेशन मोटर देखने को मिलती है, माइक्रोफोन या फिर स्पीकर देखने को नहीं मिलता। इस वजह से यहाँ पे आप स्मार्ट वॉच के साथ में बातचीत नहीं कर सकते, और स्मार्ट वॉच भी आपको कुछ बोल के नहीं सुना सकता। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग ये क्रॉसबीट के ऑर्बिट वॉच की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे सेंसर्स के मामले में, यहाँ पे आपको एक तो ब्लड ऑक्सीजन मेजर कर सकता है, हार्ट रेट सेंसर है, साथ में BP भी है, लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस के अंदर इतनी एक्यूरेसी नहीं देखने को मिलती कंपेयर टू मेडिकल इक्विपमेंट जो हमें हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इन बिल्ड माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, और साथ में एक डेडिकेटेड स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, साथ में आपको वाइब्रेशन मोटर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इनबिल्ट स्पीकर नहीं है, और साथ में यहाँ पे आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन नहीं है। तो यहाँ पे वो चीज है, और इस वजह से हम स्मार्टवॉच से बात कर सकते हैं। ओके गूगल, सेट एन अलार्म आफ्टर 2 hours। 11:24 PM सेट। हम इसको गूगल असिस्टेंट के हिसाब से बोल सकते हैं कि भाई अभी क्या टाइम हुआ है, तो ये भाई साहब बोल के बता देगा। इसके अलावा हम बोलना चाहते हैं कि भाई 2 घंटे बाद में अलार्म लगा दो, रिमाइंडर लगा दो, तो ये वो लगा देगा। तो इस टाइप की जो चीज़ें वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ में कॉलिंग फीचर भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि माइक्रोफोन और स्पीकर है, तो हम लोग डायरेक्टली इससे बात कर सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू। यस, ब्लूटूथ की बात चलिए, तो दोनों के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अब आपकी थिंग्स थोड़ा सा क्लियर हुआ, 4000 रुपए के अंदर आपको क्या मिलता है और 5000 रुपए के अंदर आपको क्या चीजें मिलती है।
थिंग्स आपके डिसीजन पे रहेगी दोस्तों। 1000 रुपए का फर्क है तो उस 1000 रुपए के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, और 1000 रुपए ज्यादा देते हो तो आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जायरो सेंसर देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कंपास यूज कर सकते हो। इस वॉच के अंदर आपको कंपास का एप्लीकेशन मिल जाता है। इन शॉर्ट अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हो, नॉर्थ साउथ अगर आपको देखना हो तो वो आप इस वॉच के थ्रू देख सकते हो, जो आपको क्रॉसबीट के वॉच के अंदर देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा जो मिर्च मसाला वाला मेजरमेंट है वो तो ऑलमोस्ट आपको सारे वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। फॉर एन एग्जांपल मैं कुछ लिस्ट डाउन कर देता हूं, जैसे कि वेदर रिपोर्ट आपको दोनों वॉच के अंदर देखने को मिल जाते हैं। म्यूजिक को कंट्रोल आप दोनों वॉच से कर सकते हो। इसके अलावा स्टेप काउंटर हो गया, कैलोरी काउंटर हो गया, फाइंड माई फोन हो गया, अलार्म हो गया, इस टाइप की जो बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीजें होती है ना, ये आपको सारे वॉच के अंदर देखने को मिल जाते हैं। फर्क कहां होता है दोस्तों? फर्क मेन इन बिल्ड चीजों के अंदर होता है। आपको इन बिल्ड आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिल जाती है। तो अभी हम लोग ने ये पता किया कि भाई 4000 रुपए के अंदर अगर हम लोग रेडमी वॉच की तरफ जाते हैं तो वहां पे इन बिल्ड माइक्रोफोन या फिर इन बिल्ड स्पीकर देखने को नहीं मिलता, लेकिन इन बिल्ड GPS देखने को मिल जाता है। और उसकी मदद से आप जो जॉगिंग साइकिलिंग वो सब करते हो, तो अगर आप उस टाइप की पब्लिक हो तो आपके लिए ये वॉच सही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग 5000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आ जाते हैं तो हमारे पास में वहां पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन क्रॉसबीट की ऑर्बिट, ये हमको इनबिल्ट माइक्रोफोन देता है और साथ में स्पीकर देता है। तो हम लोग अगर स्मार्टफोन कहीं और भी पड़ा है तो इसके थ्रू हम लोग कॉलिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली कॉलिंग का एक्सपीरियंस आपको स्मार्टफोन जैसा देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन मिक होता है जो बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इसके अंदर वो फीचर आपको देखने को मिल जाता है। साथ में आप म्यूजिक डायरेक्टली इस पर सुन सकते हो। स्मार्टफोन कहीं भी पड़ा है, आप इसको म्यूजिक प्ले करने के लिए बोलोगे तो ये भाई साहब अपने स्पीकर के अंदर ही म्यूजिक प्ले कर देगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। साथ में 5000 रुपए की रेंज के अंदर आपको Amazfit की BipU Pro भी देखने को मिल जाती है। अभी उसके अंदर क्या है वो भी पता करते हैं। 5000 रुपए की प्राइस रेंज है, उसके अंदर आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन मिल जाता है, यानी कि वहां पे आपको Alexa का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन शॉर्ट आप उससे बात कर सकते हो, लेकिन वो जो बात का रिस्पॉन्स होगा ना वो सिर्फ डिस्प्ले पे ही शो करेगा, क्योंकि वहां पे आपको इनबिल्ट स्पीकर देखने को नहीं मिलता। लेकिन उस वाले वॉच के अंदर आपको इनबिल्ट GPS देखने को मिल जाता है। तो नॉर्मली मोटा मोटा अगर फर्क आप पता करो ना, तो भाई साहब यही फर्क है कि अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है, आप अगर 4000 रुपए खर्च करते हो तो ऑब्वियसली आपको जो एक्सपीरियंस है जो स्पीकर का और जो माइक्रोफोन का वो आपको देखने को नहीं मिलता। आप जैसे 5000 रुपए की रेंज के अंदर आ जाते हो तो आपको दो ऐसे वॉच देखने को मिल जाते हैं जिससे आप बात कर सकते हो। एक वॉच आपको डिस्प्ले पे बता देगा और दूसरा वॉच आपको स्पीकर से बता देगा। तो ये सारे फर्क है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा वॉच आपके लिए सही रहेगा। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से अगर आपके बजट 4000 से 5000 रुपए होता तो आप किस टाइप का वॉच लेते, रेडमी टाइप का वॉच लेते या फिर Amazfit या फिर क्रॉसबीट ऑर्बिट टाइप का वॉच लेते, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे, इंफॉर्मेटिव लग रहे, आपकी लाइफ के अंदर थोड़े भी चेंजेस ला रहे हैं, तो आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हो टेक डिग्री चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट करके। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोज अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।